जय माँ काल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी हाँ, आज का जो मेरा वीडियो है इंडियन आर्मी, जी हाँ इंडियन आर्मी के अंतर्गत आप लोग की जो IMA देहरादून, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंतर्गत आप लोग की न्यू रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। जी हाँ, इससे पहले भी आप लोग की 1 IMA की रिक्रूटमेंट निकल के आई थी जिसमें 180 प्लस आप लोग की वैकेंसी थी, जिसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ये न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की निकल के आ रही है IMA देहरादून के अंतर्गत। कब से फॉर्म अप्लाई होंगे, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, कितनी वैकेंसी, क्या एलिजिबल क्वालिफिकेशन वगैरह, A to Z जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, लिंक पे क्लिक करके आप लोग भर्ती देख पाएंगे। यहाँ आके आप लोग देखेंगे IMA देहरादून की वैकेंसी की पूरी डिटेल आप लोग को यहाँ पे दी गई है। जी हाँ, MT ड्राइवर, LDC कुक स्पेशल, वेटर, ग्राउंडसमैन, MT चौकीदार, ग्रूम्स और MTS मैसेंजर की आप लोग की वैकेंसी है, जिसमें कि आप लोग के ऑफलाइन अप्लाई होंगे 2 सितंबर 2023 से 16-10-2023 तक। जी हाँ, 16 अक्टूबर 2023 तक आप लोग यहां पे फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। रिटर्न एग्जाम, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होने वाला है। पूरी जानकारी आप लोग को नीचे मिलेगी। जी हाँ, फॉर्म कब से कब तक आप लोग के अप्लाई होंगे, 2/9 से 16/10 तक आप लोग यहाँ पे अक्टूबर तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी की जानकारी, क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, एज आप लोग देख लेंगे, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगाने, ऑफलाइन अप्लाई हो रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैंने आप लोग को दी हुई है, वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा यदि आप लोग बोलते हैं। इसके अलावा क्या फीस लगने वाली है, फीस की जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, फीस बहुत ज्यादा नहीं है, जनरल वालों को 50 रुपए यहाँ पे देने। सेंडिंग फॉर्म कहाँ पे सेंड करना है, इसके अलावा एग्जाम डेट वगैरह क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, सिलेबस आप लोगों का क्या है, रिटर्न एग्जाम, ट्रेड टेस्ट और मेडिकल के बेस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला। रिटर्न एग्जाम का सिलेबस 150 क्वेश्चन, 150 नंबर के 2 घंटे का पेपर रहेगा। इसमें आप लोगों को सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आने के बाद आप लोग देखेंगे नोटिफिकेशन का लिंक दिया है, फॉर्म डाउनलोड का लिंक दिया, तो नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करके आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पहले रीड कीजिए। फॉर्म जैसे ही इसके स्टार्ट होते हैं फॉर्म डाउनलोड करके आप लोग फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं, फ्री फॉर्म है, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। तो चलिए नोटिफिकेशन वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग देखेंगे ये है आप लोग का नोटिफिकेशन, यहाँ से आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंतर्गत आप लोग की ग्रुप सी और ग्रुप डी की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें कि आप लोग को यहाँ पे ऑफलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, हाथ से लिखा हुआ या फिर प्रिंट किया हुआ आप लोग का जो है एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग को सेंड करना है, जो कि सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ, जी हाँ सभी डॉक्यूमेंट आप लोग के सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। और यहाँ पे आप लोग का एड्रेस दिया गया टू द कमांडेंट इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून पे आप लोग को भेजना है। जी हाँ, तो जैसे इसके फॉर्म अप्लाई होते हैं मैं आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यदि इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली वैकेंसी निकल के आ रही है MT ड्राइवर की वैकेंसी निकल के आ रही है। ऑर्डिनरी ग्रेड 7 वैकेंसी, 19,900 से 63,200 आप लोग की सैलरी रहने वाली है, आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, और इसके अलावा आप लोग की जनरल की 5 है, SC की 2 है, ST की वैकेंसी नहीं है, OBC की वैकेंसी नहीं है, EWS की वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। 10th क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए, साथ में आप लोग के पास हैवी लाइसेंस और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग के पास होना ही चाहिए। जी हाँ, जनरल की वैकेंसी है, SC की वैकेंसी है यहाँ पे। चलिए इसी प्रकार से LDC की वैकेंसी 19,900 से 63,200 सैलरी रहने वाली है, 3 वैकेंसी है, 1 जनरल की है, SC की 2 वैकेंसी है, OBC ST की वैकेंसी नहीं है, तो आप लोग जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। 12th क्लास पास आप लोग यहाँ पे होने चाहिए और टाइपिंग की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आप लोग का होने वाला है। यदि इंग्लिश में देते हैं तो 35 पार्ट पर मिनट, हिंदी में देते हैं तो 30 पार्ट पर मिनट। अभी आप लोग को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए टाइपिंग से रिलेटेड, लेकिन जब आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट हो तो आप लोगों को टाइपिंग क्लियर करना होगा। तो 12th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके अलावा आप लोग की जो न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है वो है आप लोग की कुक स्पेशल। जी हाँ, कुक स्पेशल की 2 वैकेंसी है यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी, ST कैंडिडेट की कैटेगरी की। जी हाँ, 1 वैकेंसी यहाँ पे आप लोग की और 1 वैकेंसी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी की डिटेल दी गई है OBC और EWS की वैकेंसी है। जी हाँ, OBC और EWS की आप लोग की वैकेंसी निकल के आ रही है कुक स्पेशल में। चलिए इसी प्रकार से कुक स्पेशल के लिए आप लोग 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कुकिंग की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए यहाँ पे, लेकिन OBC और EWS की ही आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे, जी आपकी अपनी कैटेगरी का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ OBC वाले और EWS वाले कैंडिडेट ही कुक स्पेशल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेटर की 1 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी जो है आप लोग की ST की है, तो ST वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और डिजायरेबल में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी प्रकार से ग्राउंड्समैन की वैकेंसी है, ग्राउंड्समैन आप लोग की 18,000 से 56,900 आप लोग की सैलरी है और 1 वैकेंसी है। ये वैकेंसी आप लोग की जनरल की है, जनरल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, SC ST OBC वाले भी, EWS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
टेंथ क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ड्यूटी की जानकारी आप लोग को होनी चाहिए, यानी ड्यूटी से आप लोग जो है बिल्कुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो एक वैकेंसी जनरल की ही निकल के आ रही है, ध्यान रखिएगा। टेंथ क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई करेंगे, सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एज आप लोग की होनी चाहिए। एमटीएस चौकीदार 18,000 से आप लोग की 56,900 सैलरी है। एक वैकेंसी है आप लोग की जो कि ईडब्ल्यूएस की है, तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। टेंथ क्लास पास है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ड्यूटी की जानकारी एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल में मांगा गया है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। यदि कोई चीज डिजायरेबल में मांगी हुई है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है जी हाँ। ग्रूम्स की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है जनरल की निकल के आ रही है। जनरल की एक वैकेंसी है तो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप लोग की एज है 18,000 से 56,900 सैलरी है, 10th क्लास पास है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी ड्यूटी की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इसके अलावा एमटीएस मैसेंजर की 18,000 से 56,900 सैलरी है, एक वैकेंसी है जो कि ईडब्ल्यूएस की है तो ईडब्ल्यूएस वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। 10th क्लास पास आप लोग होने चाहिए और अपनी ड्यूटी की जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। इस प्रकार से वैकेंसी की जानकारी मैंने दे दी है, टोटल 17 वैकेंसी आप लोग की निकल के आ रही थी। इसके अलावा कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह आप लोग को यहाँ पे दिए गए हैं। एक से ज्यादा जिनकी पत्नी जीवित पत्नियां हैं वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। द नंबर जो भी वैकेंसियां दी गई है प्रोविजनल है, वैकेंसियां घट बढ़ सकती हैं, सारे राइट्स मिलिट्री एकेडमी के पास है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा एज आप लोग की 18 से 27 साल रहने वाली। यदि आप लोग ड्राइवर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जनरल, जी हाँ, ओबीसी को 3 साल का, एसएसटी को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा बाकी सभी पोस्टों पे जनरल वालों की एज 18 से 25 साल रहने वाली है, ओबीसी की 18 से 28 साल और एससी एसटी की 18 से 30 साल रहने वाली है। जनरल में वैकेंसी है, ओबीसी एससी एसटी में वैकेंसी नहीं है। आप लोग जनरल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप लोग की भी एज यहाँ पे 18 से 25 साल रहेगी। जैसे जैसे बेनिफिट मिलते हैं सभी को मिल रहे हैं। जी हाँ, फीस की जानकारी दी जाए तो ₹50 का पोस्टल ऑर्डर यहाँ पे लगने वाला। यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस को कोई, फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन को कोई भी फीस नहीं देनी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जनरल वालों को ₹50 देने हैं, ध्यान रखिएगा। इंडियन पोस्टल ऑर्डर जो कि आप लोग का पोस्ट ऑफिस में मिलेगा और फॉर्म अप्लाई के बाद का ही होना चाहिए। जब आप लोग की रिक्रूटमेंट आएगी उसके बाद का ही आप लोग का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि 2 सितंबर 2023 के बाद का ही। फोटोग्राफ आप लोग देखेंगे, एक फोटोग्राफ आप लोग फॉर्म पे लगाएंगे, 2 फोटोग्राफ आप लोग को साथ में सेंड करना है जो कि आप लोग का सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। सारी जानकारी आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। क्रूशियल डेट की जानकारी दी जाए तो लास्ट डेट आप लोग की क्रूशियल डेट रहने वाली है, वहीं से आप लोग की एज काउंट होगी, इसी का ध्यान रखिएगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह तो लास्ट डेट यानी कि आप लोग की 16 अक्टूबर 2023 में आप लोग की एज काउंट होने वाली है। 45 दिन का समय आप लोग को जाएगा। इसके अलावा 2 एनवलप आप लोगों को अंदर भेजने हैं जिसमें कि 5-5 रुपए के डाक टिकट लगे हैं और सभी डॉक्यूमेंट आप लोग साथ में भेजेंगे जो कि आप लोग के सेल्फ अटेस्टेड होने वाले हैं। चलिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग का रिटन एग्जाम होने वाला है, 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होने वाला। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 50 नंबर, मैथ 25 क्वेश्चन 25 नंबर आप लोग की रहने वाली है। 2 घंटे का पेपर है आप लोगों का, जी हाँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में पेपर रहेगा और इंग्लिश का जो पेपर है वो इंग्लिश में रहने वाला है। एलडीसी का जो आप लोगों का सिलेबस होगा 12th लेवल का होगा, बाकी सभी पोस्टों पे 10th लेवल का आप लोगों का पेपर होने वाला है। स्किल टेस्ट की जानकारी दी जाए तो रिटर्न के बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होने वाला है। एलडीसी के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया तो कंप्यूटर की नॉलेज आप लोग की होनी चाहिए, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की जानकारी, अकाउंट्स वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, जी हाँ। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है, कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की जानकारी आप लोग को आगे आने वाले समय में दी जाएगी और लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा आप लोग पीएसयू पब्लिक सर्विस मीन्स आप लोग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट वगैरह एम्प्लॉई हैं पीएसयू पब्लिक सर्विस यूनिट में, तो आप लोग को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉर्म को अप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें आप लोग की जो एंट्री स्कीम वगैरह, कमांडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, किसी भी प्रकार की पोस्टल डिले होती है तो इसके लिए मिलिट्री अकेडमी यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं लेगा, जी हाँ, और वैकेंसी यहाँ पे घट बढ़ सकती है। इसके अलावा आईएमए ने बताया है कि परसेंटेज के बेस पे भी आप लोग को यहाँ पे बुलाया जा सकता है, जी हाँ, ध्यान रखिए। सारे राइट्स आईएमए के पास है तो आप लोग की जो भी क्वालिफिकेशन होगी, यदि 10th की पोस्ट है, आप लोगों ने 12th कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, कोई एक्सपीरियंस है, पूरी डिटेल आप लोग यहाँ पे दे देंगे। यदि आप लोग को परसेंटेज के बेस पे बुलाया जाए तो आप लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म के एडमिट कार्ड आने का बेनिफिट मिलेगा, बाकी रिटर्न एग्जाम में किसी प्रकार का बेनिफिट नहीं है, मैं आप लोग को क्लियर कर दूं। तो जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है वो आप लोग लिख देंगे। और इसके अलावा बाहर वाले लिफाफे पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ और किस कैटेगरी से हैं आप लोग, वो आप लोग लिखेंगे। और एक्स सर्विस मैन है तो आप लोगों को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ओबीसी से हैं तो आप लोगों को ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा जो कि नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल फॉर्मेट में आप लोग होने वाला, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को पूरी जानकारी दीजिए, फॉर्म भरी रीड कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछे। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट पर ये फॉर्म है आप लोग का, फॉर्म का लिंक भी मैंने आप लोग को दे दिया, तो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे। न्यूज़पेपर आप लोग का यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज रहेगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग का 2 से 8 सितंबर 2023 रहेगा, डेट आप लोग की 2 सितंबर वाली रहेगी। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप लोग को मैं आने वाले समय में बताऊंगा, डेट आप लोग की जो है यहाँ पे 2 से 8 सितंबर 2023 रहेगी। जो भी एम्प्लॉयमेंट न्यूज होगा उसमें ऐड के नीचे आप लोग का एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा होगा। यदि आप लोग
देख सकते होंगे, तो आप लोग खुद ही देख के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को फॉर्म अप्लाई का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। नाम लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे जो कि टेंथ के सर्टिफिकेट के अनुसार, यहाँ पे आप लोगों को फोटोग्राफ चिपकाना है, इस पर आप लोगों को सिग्नेचर करना है, यानी नीचे आप लोगों को सिग्नेचर करना है। मदर का नेम लिखेंगे जो भी मदर या वाइफ नेम वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, तो आप लोग को यहाँ पे डिटेल देनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को लिखनी पड़ेगी जो कि आप लोग के टेंथ के सर्टिफिकेट के अनुसार। इसके अलावा एज आप लोग की लास्ट डेट को यानी कि 16 अक्टूबर 2023 को आप लोग की एज क्या है, कितने ईयर कितने मंथ कितने डे आप लोग लिखेंगे, और एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से आप लोग बिलोंग करते हैं तो उसकी डिटेल आप लोग को देंगे, और उसका फॉर्मेट आप लोग यानी कि सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा, एक्स सर्विस मैन है तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी पड़ेगी नहीं तो छोड़ देंगे। इसके अलावा फिजिकल हैंडीकैप है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी नहीं तो छोड़ देंगे। नेशनलिटी आप लोग की इंडियन, रिलीजन आप लोग का क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो आप लोग डिटेल यहाँ पे दे देंगे। जी हाँ, परमानेंट एड्रेस आप लोग यहाँ पे भरेंगे, परमानेंट एड्रेस यानी कि मूल निवास का पता, जहाँ के आप लोग मूल निवासी हैं, उसका हाउस नंबर आप लोग का कौन सा है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट, ईमेल, मोबाइल नंबर वगैरह आप लोग देंगे। इसके अलावा आप लोग कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आप लोग अभी कहीं और रह रहे हैं, पत्राचार का पता, जहां पे आप लोग अभी रह रहे हैं, ठीक है, वो आप लोग लिखेंगे, हाउस नंबर, तहसील वगैरह, ठीक है। यदि दोनों सेम है सेम उतार देंगे, अलग अलग है तो अलग अलग उतारेंगे। इसके अलावा डेट ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन, एकेडमी या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन आप लोग के पास है पूरी डिटेल दे देंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया। टेंथ की पोस्ट है तो आप लोग टेंथ की डिटेल देंगे, इंटर कर रखिए इंटर भी दे देंगे, ग्रेजुएशन कर रखिए ग्रेजुएशन कर देंगे, आईटीआई कर रखिए आईटीआई दे देंगे, एक्सपीरियंस ले रखा तो एक्सपीरियंस की डिटेल दे देंगे, ठीक है। तो किस बोर्ड से किया है, किस स्कूल से, उसकी डिटेल देंगे, कितनी परसेंटेज थी, कौन सी डिवीजन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आप लोग लिखेंगे। रिमार्क में आप लोग लिखेंगे पास या फेल, ठीक है, जो भी थे आप लोग लिख देंगे। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग लिखेंगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लोग को लगानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आप लोग दे देंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसकी डिटेल आप लोग को देनी, आधार कार्ड नंबर आप लोग को देनी है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप लोग को साथ में भेजना है। डिक्लेरेशन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर करना है, अपना नाम लिखना है, दो सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ आप लोग को सेंड करने है। ध्यान रखिएगा पोस्टल ऑर्डर, यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट है तो पोस्टल ऑर्डर का नंबर देंगे, डेट देंगे। यदि आप लोग ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन पीएच कैंडिडेट है तो आप लोग को पोस्टल ऑर्डर की डिटेल देनी ही नहीं है। इसके अलावा कितने कॉपी आप लोग फोटो कॉपी सेंड कर रहे हैं उसको काउंट करके आप लोग लिख देंगे। तो इसके बाद आप लोग को नीचे आना, यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, डेट डालेंगे, यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, नाम लिखेंगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं है। ओबीसी कैंडिडेट हैं तो ओबीसी वाले अपना नाम लिखेंगे, या जो भी आप लोग के डॉक्टर सन श्री जो फादर नेम वगैरह वो आपकी डिटेल देंगे। रेजिडेंस आप लोग का कौन सा है वो आप लोग लिखेंगे, और इसके अलावा किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं यानी कि आपकी कास्ट क्या है वो आप लोग लिखेंगे। प्लेस और डेट और सिग्नेचर और नाम आप लोग लिखेंगे यदि ओबीसी कैंडिडेट है। ओबीसी कैंडिडेट नहीं है तो इसे नहीं भरेंगे, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आप लोग इसे नहीं भरेंगे। यहां तक फॉर्म आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट भर के आप लोग भेजेंगे। फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, 2 सितंबर 2023 से आप लोग के इसके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे। इसके अलावा कोई जानकारी आप लोग को लेने तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। टेलीग्राम का लिंक दिया, टेलीग्राम से जुड़े तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जान से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक कीजिए, बेल आइकन पर जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।